आप में से बहुत लोग जो हमारी इनकम को जानना चाह रहे थे, लगातार कमेंट आ रहे थे, भाई आपकी यूट्यूब अर्निंग क्या है, प्लीज आप बताइए, आप तो बहुत कुछ शेयर करते हैं, यह चीज क्यों नहीं बताते हैं। आज के डेट में हमारी क्या अर्निंग हो रही है यूट्यूब वीडियो से, आज आपको बता देते हैं, आप भी थोड़ा चौंक जाएंगे सुनकर कि ऐसी अर्निंग होती है यूट्यूब से। तो जी, हमारा ट्रिप तो हो गया है खत्म, उसके बाद आ गए हैं घर, और जो घर आए थे वो तो हम लोग कल रात को ही आ गए थे, लेकिन उस समय जो है कोई भी वीडियो शूट नहीं किया क्योंकि इतना ज्यादा थक चुके थे, तो उस वजह से जो है कुछ भी मन नहीं किया शूट करने का। और फिलहाल जो है जिया जो है पूरे घर को आज सेट कर रही है, क्रियांश का रूम जो है एक अलग से तैयार कर रही है, तो जब क्रियांश का रूम पूरा तैयार हो जाएगा तो उसका टूर हम देंगे। फिलहाल दिया एक लाई हुई है स्टैंड, उसको जो है मुझको सेट करना है, उसमें क्या है कि पाइप है और अलग अलग चीज दिया हुआ है, तो उसको असेंबल करता है, तो करते हैं असेंबल। और फिलहाल क्रियांश जो है यहाँ पर चटाई पर आराम से लेटा हुआ है। बोले पापा, आपने इतने सिंपल में बोल दिया कि मुझे सेट करना है, ये नहीं बोला कि जिया ने बहुत रिक्वेस्ट किया फिर मैं सेट करने आया हूँ। अच्छा, ऐसी ये बात। बोलो बहुत रिक्वेस्ट किया मैंने, पहले से ही बहुत सारा जगह जो है ऑक्यूपाई हो चुका है, तो चाहते है की खाली खाली जगह रहे तो अच्छा लगे। नहीं बस अब करना नहीं चाहते। नहीं नहीं, बस बात ये है, बस बात ये है की आप जो है पूरे घर को भर दी जा रही है, थोड़ा सा घर जो है खाली रहेगा तो ज्यादा अच्छा लगेगा, है ना? बिल्कुल। ये देखो कितने ध्यान से सुन रहा है, जैसे इसको सब कुछ समझ में आ रहा है। पापा आप झूठ बोल रहे हो, बस काम नहीं करना चाहते हो। सब कुछ समझ में आ रहा है इसको, है? सब कुछ आ रहा है समझ में? क्या स्माइल कर दे। तो फाइनली जी हमारा जो यह रैक था यह हो गया असेंबल, तो देख सकते हैं, और इसका जो देखते हैं बिल्ड क्वालिटी है जी, काफी अच्छा है, अच्छी क्वालिटी का प्लास्टिक है, जल्दी यह टूटेगा नहीं, तो अच्छा है जी, यह सेट हो गया। और अब यहाँ पर जो है अब क्रियांश का सारा सामान रहेगा, यह जो रूम है क्रियांश का रूम बनाया जा रहा है, देख सकते हैं वहाँ पर पूरा क्रियांश का ही सब कुछ है, तो अभी एक बार तो यह पूरा सेट होगा, उसके बाद फिर आपको दिखाएंगे कि यह रूम कैसा लग रहा है। अभी बज रहे हैं जी शाम के 6 और हमें लग गई है भूख, और आज जो है कुछ अलग खाने का मन कर रहा है, तो घर में जितना भी मैगी का पैकेट था तो वह जो है मैगी खत्म हो चुका है, आज बहुत मैगी खाने का मन कर रहा है, तो जाते हैं पास के दुकान और मैगी उठा करके लाते हैं। A few moments later. नैन्सी का बेटा इसका भाई जो है उसका जो कपड़ा छोड़ के लोग सब कपड़ा लेके समेट के लोग नहीं जाता, हम एक शर्ट छोड़ के गया है, वो जो पहना है भाई का लगता है किसी का मांग के लाया। अभी तक इसको बड़ा ही हो रहा है, अभी तक ही बड़ा हो रहा है, गतिक का पहन के गतिक बन गया। और शांत हो गया, इसके पीछे भी लगता है कोई कोई राज होगा। शांत बेटा है बोलते मेरा पोता शांत रहे, ये दोनों बात में बहुत विरोधाभास है। हमने ले लिया जी मैगी और अब चल रहे हैं सीधा घर। सही मौसम है जी अभी, एकदम हवा चल रही है, ठंडी ठंडी हवा लग रहा है, शायद बारिश भी होगी, बादल अच्छे से घेरा हुआ है, बारिश भी हो वो भी अच्छा ही है, मौसम और ठंडा हो जाएगा। मुझे जो है मैगी का रेट पता नहीं था कि लेटेस्ट रेट क्या है, क्या होता था कि जब भी मैगी बनाना होता था, जब भी मैगी मंगाते थे तो लॉट में मंगा लेते थे सीधा, तो पता नहीं चलता था क्या रेट। तो यह जो पैकेट अभी हमारे हाथ में, इसका दाम हो गया है 14 रुपया, लास्ट टाइम याद था कि 12 रुपया में मिलता है, तो हम कहे कि 12 रुपया वाला चाहिए, तो आंटी जी कह रही थी 12 रुपया में जो मैगी मिलता था वो अलग जमाना था, अब वह 14 हो गया है, तो मतलब यह था जी हम अपडेट नहीं थे लेटेस्ट प्राइस से। भाई साहब हमको ध्यान है, 10 रुपये तक में खरीदे हैं यह जो पैकेट है, और अब 14 रुपया हो गया है, उम्मीद है जल्द ही हम लोग इसको 14 या 44 रुपये में देखेंगे कभी न कभी। तो यहाँ पर हमारा सारा मैगी आ गया जी, जिया अभी यहाँ जो है सारे बर्तन को धुल रही है, और उसी देर में जो है मैगी भी बनना शुरू हो जाएगा, उसे तैयारी तो देख रही है पूरी हो चुकी है, यहाँ पर प्याज कटा हुआ है, मटर कटा हुआ है, मिर्च यहाँ पर कटा हुआ है, कढ़ाई भी चढ़ा दी, तब तक गर्म होगा तब हो जाएगा मेरा। चलो ठीक है, तब तक मेरा फोन भी आ गया, अब बात कर लेते हैं। ये नंबर, ये कंपनी का नंबर है, हमेशा कुछ ना कुछ इससे आते रहता है, वॉइस रिकॉर्डिंग वाला कॉल देखना अभी भी। यहाँ जो राइट वाला कॉल है जी, बहुत ही परेशान करते हैं, अभी आ जाता है इंश्योरेंस का। मुझे कल कॉल आया था कि आपकी 4 लाख की लॉटरी लग गई। वाह बहुत बढ़िया, मुबारक हो आपको। अच्छा। तो कभी कॉल आ जाती है इंश्योरेंस वालों की, कभी कॉल आ जाती है लोन वालों की, कभी कहते हैं कि आप 3 लाख का अप्रूव हो गया है, आपका जो पर्सनल लोन इतने लाख का अप्रूव हो गया है, आपका बिजनेस लोन इतने लाख का अप्रूव हो गया है, पर जेन्युइन कॉल बजाज फाइनेंस से, HDFC से, भाई साहब परेशान हो रखे हैं, भाई साहब आप लोग जो है कॉल मत कीजिए, बंद करो, बहुत परेशान हो गए हैं आपके कॉल से, कई बार सोए हुए रहते हैं और आपका कॉल आ जाता है, उठते हैं धड़फड़ा के कि कोई लगता है इम्पोर्टेंट कॉल हो, जब उठाते हैं तो बस वही लोन इंश्योरेंस।
The next day. अभी बज रहे हैं जी सुबह के 9 और हमारा क्रियांश जो है बगल में ही लेटा हुआ है, तो देख सकते हैं इधर ही क्रियांश, वो ही क्रियांश, ये देखो जबरदस्ती इसको दिखवाया जा रहा है। जिया उधर से पकड़ी हुई है क्योंकि जैसे ही इसको छोड़ेगी या पलट के चल जाएगा दूसरी साइड, है ना क्रियांश, है क्रियांश। ये देखिए जय जय कर रहा है सभी। अब आते हैं जी वीडियो के मेन टाइटल पर, जो कि आज का वीडियो का टाइटल है। आप में से बहुत लोग जो हमारी इनकम को जानना चाह रहे थे, लगातार कमेंट आ रहे थे भाई आपकी यूट्यूब अर्निंग क्या है, प्लीज आप बताइए, आप तो बहुत कुछ शेयर करते हैं, यह चीज क्यों नहीं बताते हैं। तो जी बात यह है कि हम अर्निंग के ऊपर जो है पहले भी वीडियो बना चुके हैं और उसमें भी पूरी डिटेल से बताया था, लेकिन लगता है कि बहुत सारे नए सब्सक्राइबर जुड़े हुए उन्होंने उस वीडियो को नहीं देखा होगा। तो चलिए कोई बात नहीं जी, आज हम फिर से एक बार जो है अर्निंग पर वीडियो बना देते हैं। उस समय जो हमने अर्निंग का वीडियो बनाया था उस समय के हिसाब से था, आज के डेट में हमारी क्या अर्निंग हो रही है YouTube वीडियो से आज आपको बता देते हैं। आप भी थोड़ा चौंक जाएंगे सुनकर कि ऐसी अर्निंग होती है YouTube से। अर्निंग के बारे में बताने से पहले आपको बताना चाहेंगे जी, अर्निंग जो है बहुत सारे फैक्टर पर निर्भर करता है, जैसे कि हो गया जी व्यूज, जो कि सबसे मेन फैक्टर है। मुझे लगता है इसके बारे में तो सबको आइडिया होगा कि जितने व्यूज जाएंगे आपके उतने डॉलर बनेंगे। यहाँ पर हमारी जो अर्निंग होती है वह डॉलर में होती है, जो कन्वर्ट होकर के रुपीज में हमारे बैंक अकाउंट में डायरेक्ट आ जाता है। और जो अगला फैक्टर है जिसके ऊपर अर्निंग डिपेंड करता है वह है जी आपका लोकेशन। जी हाँ, लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो इंडिया के क्रिएटर है, जो एशिया के क्रिएटर है, उनसे ज्यादा पेमेंट जो है यूरोप और यूएसए, जो भी अमेरिकन कंट्री सब है, वहाँ पर उनको ज्यादा अर्निंग होती है। और जी आपकी अर्निंग निर्भर करता है कि आपके चैनल का कैटेगरी क्या है, जिनका भी टेक चैनल है, जिनका भी रिव्यू चैनल है, तो सभी की अलग अलग अर्निंग होती है। जो सबसे कम रेवेन्यू किसी सेक्टर में आता है, तो जैसा मैंने देखा है वहाँ ब्लॉगिंग के और एंटरटेनमेंट के, जो कि ब्लॉगिंग की हमारी कैटेगरी है। भले ये बात अलग है कि यहाँ पर ब्लॉगिंग के फील्ड में आपके व्यूज अगर अच्छे खासे आते हैं, मिलियन में आते हैं, तो आपकी अर्निंग यहाँ भी बहुत अच्छी खासी हो जाती है। तो जी अब ऐसा करते हैं, आप सीधा आते हैं अर्निंग पर कि हमारी अर्निंग आज के समय में कितनी हो रही है। तो जी जिस समय मैं यह वीडियो शूट कर रहा हूँ, यह मंथ है अक्टूबर का, तो अक्टूबर के महीने में आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा तो बने $120। और आज जो डेट है, आज है 13 अक्टूबर, 13 दिन में हमारी बने हैं $120। और अभी 80 का रेट चल रहा है, वह ऊपर नीचे चलता रहता है, तो ओवरऑल आपको बता देते हैं कैलकुलेट करके 9600 रुपये, 13 दिन में 9600 रुपया बना, तो घूम फिर करके महीना का मान करके चलिए कि 20,000-22,000 इसी तरह का अर्निंग होता है यूट्यूब से। तो फिर आप देख सकते हैं जी हमारे चैनल से कितनी अर्निंग हो रही है। हमें आपको यह भी दिखाना था कि सिर्फ यूट्यूब के भरोसे जो है आपका घर परिवार नहीं चल सकता है। आपने देख लिया यूट्यूब की क्या सच्चाई है। बहुतों के मन में यह रहता है कि यूट्यूब से गाड़ी ले रहे हैं, बंगला ले रहे हैं और यह सब कुछ ले रहे हैं। जी ऐसा है, ऐसा नहीं है कि नहीं ले रहे हैं, लोग ले भी रहे हैं, उनकी अर्निंग भी हो रही है, लेकिन बहुत कम है वैसे क्रिएटर। आप कह सकते हैं कि 1% से भी कम ऐसे क्रिएटर होंगे जितने लोग यहाँ पर वीडियो बनाते होंगे। एक डेटा भी हमने देखा था, यहाँ क्रिएटर का ही था, 3 करोड़ के करीब इंडिया में लगभग क्रिएटर है और 3 करोड़ में से मात्र 75,000 ऐसे क्रिएटर है जो 16,000 रुपया महीना से ऊपर कमा पाते हैं। तो इसकी सच्चाई यह है जी, यहाँ पर ऑनलाइन अर्निंग की ब्लॉगिंग के और जो भी ऑनलाइन कंटेंट क्रिएशन के जरिए। यहाँ पर मैं आपको जो भी चीज बता रहा हूँ इसको बताने का मतलब यह नहीं है कि मैं आप सभी को डिमोटिवेट कर रहा हूँ और यह कह रहा हूँ कि आप लोग जो ऑनलाइन कंटेंट क्रिएशन पर नहीं आए। जी आए, लेकिन अपना जो मेन काम है, अपना जो मेन स्टडी है, आपका जो जॉब है, आपका जो बिजनेस है, उसके ऊपर ध्यान दे। साइड से इसको रखे, जब आपको लगे कि यहाँ से आपका अच्छा खासा इनकम जनरेट होने लग गया है, तब आप इसके ऊपर फुल टाइम आ सकते हैं, जो कि मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा। लेकिन अगर आपको फुल टाइम यहाँ पर आना ही है, तो सबसे पहले जो है यहाँ पर देख लीजिएगा ये यहाँ पर आपकी अर्निंग अच्छी खासी हो रही है कि नहीं। और यहाँ पर अर्निंग आपकी अच्छी खासी होने का मतलब यह भी नहीं है कि यह आपका अर्निंग जो है कांस्टेंट रहेगा, ऐसा ही हमेशा रहेगा। आज के जमाने में जी बहुत ही सारे क्रिएटर हो गए हैं, आप यूट्यूब का किसी भी कैटेगरी को उठा ले, चाहे ब्लॉगिंग का हो, चाहे वह टेक का हो, चाहे किसी भी चीज का हो, आप वहाँ पर देखिएगा लाखों क्रिएटर मौजूद है। आपको जो है हर समय उनसे कम्पीट करना है। और लोगों का जो है आजकल अटेंशन स्पैन बहुत ज्यादा कम है, आज आपके ब्लॉग में थोड़ा सा भी उनको कुछ इंटरेस्टिंग नहीं लगा तो सीधा वह स्विच करके दूसरे चैनल पर चले जाते हैं। तो इतनी ज्यादा मारामारी के बीच में आपको जो है अपना खर्चा निकालना है। बहुत से लोगों को हमने देखा है कि वह अपना जो मेन काम धंधा है, जैसे एक स्टूडेंट हो गया, अपनी पढ़ाई छोड़ करके बिल्कुल यूट्यूब के पीछे लगे हुए हैं, इंस्टाग्राम के पीछे लगे हुए हैं, ऑनलाइन कंटेंट क्रिएशन के पीछे लगे हुए हैं। बहुत सारे लोगों को देखा है कि अपना बिजनेस सपोर्ट कर लिया है इनके पीछे। जी आपने देख लिया यहाँ पर कितना इनकम होता है और कितना ज्यादा फ्लक्चुएट होता रहता है इनकम। तो इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा कि आप जो है जो स्किल आप सीख रहे हैं, जो भी चीज कर रहे हैं, उसको करते रहे, इसको आप जो है पार्ट टाइम रखे। मैंने भी इसको फुल टाइम नहीं रखा हुआ है, पार्ट टाइम ही चलाता हूँ, क्योंकि आपने देख लिया जी इसके भरोसे जो है पूरा घर गृहस्थी चल नहीं सकता जी, बीवी बच्चे हैं। तो जी यहाँ जिया भी आ गई है, तो जिया
क्या YouTube की अर्निंग? हमसे बहुत लोग पूछते थे, बहुत लोग बोलते थे दीदी बताइए कितनी अर्निंग है, तो आज जान लिया आप लोग कितनी अर्निंग। तो फिर आज जान लिया जी, तो आप ऐसा करते हैं जी, इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। उम्मीद करते हैं आज आपको जो है YouTube अर्निंग को लेकर जो भी मन में सवाल होगा उसका जवाब मिल गया होगा। ये तो यूट्यूब से पैसा छापती है, पैसा छाप कितना छापते हैं जी आज आपने देख लिया। तो हम ऐसा करते हैं जी, इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। उम्मीद करते हैं आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना नहीं भूलें ताकि हमारा कोई वीडियो आए सबसे पहले आपको। हां जी, वीडियो को एक शेयर तो जरूर कर दें, आपके एक शेयर से हमें बहुत बड़ा सपोर्ट मिलता है, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।